स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे नए व्लॉग में गाइज। और इस बार मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ द फेमस संजीव कपूर के रेस्टोरेंट में। एंड होप आप लोग व्लॉग को इंजॉय करेंगे। व्लॉग थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, और लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, एंड मेरे हस्बैंड को बर्थडे विश ज़रूर करना। आई होप आप लोग ज़रूर कमेंट करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संजीव कपूर, आई गेस मेरा जो पहला क्रश होगा वो संजीव कपूर से ही होगा, क्योंकि मुझे जब मैं 8 ईयर्स 9 ईयर्स की थी तो मुझे फिल्म से ज़्यादा कुकरी शो पसंद था। एंड हम सबको पता है ZTV में संजीव कपूर का कुकिंग शो आता था, एंड वो मैं कभी मिस नहीं करती थी, कभी नहीं। मतलब वन ऑफ, मतलब बोलते हैं ना, पसंदीदा चीज़ है कुकिंग शो देखना। और अब तो चलो यूट्यूब है, ये सब बहुत सारे आ गए हैं कुक वगैरह, बट जिनको मैंने मतलब एडमायर किया है वो है संजीव कपूर। एंड बहुत सारी रेसिपी मैंने ट्राई करी है, और इनका एक बहुत ही प्यारा सा रेस्टोरेंट है हमारे सिलीगुड़ी में द प्लानेट मॉल में। एंड आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है तो हमने डिसाइड किया कि आज हम यहाँ आएंगे और आप सभी को भी लेके जाएंगे और बताएंगे द येलो चिली का टेस्ट खाने का कैसा है, यहाँ का अम्बियंस कैसा है। मुझे लगता है जो सिलीगुड़ी में होंगे मोस्टली लोग जा चुके होंगे, बट जो नहीं गए हैं एक बार ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही इनका खाना जो होता है ऑथेंटिक होता है इंडियन क्यूजिन। यहाँ पर चाइनीज़ भी मिलता है बट ज़्यादा फोकस इनका इंडियन क्यूजिन पर रहता है। टेस्ट वॉज ऑसम, ऐसा एक भी डिश नहीं था जो हमको पसंद नहीं आया होगा, हमने सब इंजॉय किया। लास्ट जब हम आए थे यहाँ पे लॉकडाउन से पहले आए थे, उसके बाद हम लोग दूसरे रेस्टोरेंट में गए थे, बट इस बार ग्रेसी का भी इच्छा था कि मम्मा येलो चिली जाना है, मेरे हस्बैंड का, और बर्थडे है हस्बैंड का तो हस्बैंड का सुनना ही पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग गाइज बैठ गए, केक मैंने पहले से ऑर्डर कर दिया था और हमने प्लान किया था कि चलो यहाँ पर काटेंगे। एंड गाइज सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया कि इतना बारिश हुआ ना, मैं कुछ और पहनने वाली थी, मैंने एक साड़ी रेडी करा था कि मैं ये साड़ी पहनूंगी, बट बारिश की वजह से सारा मूड ऑफ हो गया और मैं शॉप में थी, शॉप से घर जाते थे तो बहुत लेट हो गया। एंड ये वाला ट्रीट जो है मेरे तरफ से है, बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है जब आप अपने हस्बैंड को, अपने पार्टनर को आप अपने कमाई से छोटी मोटी सी पार्टी दो। ये कोई ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं है। कपड़ा बदलना है और लोग बोलते हैं कि आप अपना मन से कपड़ा पहनते हैं, आज बोलो कितना कपड़ा पहना है हमने? 3-4 तो बदले। पहले क्या पहनते हैं? सूट, ठीक है, उसके बाद मैंने दूसरा साड़ी, उसके पहले ड्रेस पहना, ठीक है, उसके बाद मैंने पहना ग्रीन साड़ी, उसके बाद मैंने पहना ब्लैक साड़ी, दिस वन इज फिफ्थ। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ जगह अप्रोप्रिएट, अगर हम कंफ्यूज भी हो तो ये बंदा हमको बोलता है और हम वही पहनते। तो देवियों और सज्जनों, जिसको भी लगता है जब जो मन अपने मन से पहनते, ऐसा नहीं है मेरे ड्रेसअप के पीछे ये बेटा सस्ता मार्केट। तुम बोलते ना मम्मी ये पर्स मत लो, बोलो हम सबका सुनने का मेरा सुनने। और यहाँ पे ग्रेसी अपना फेवरेट डिश ऑर्डर कर रही है, और उसका फेवरेट आइटम है चिली चिकन, चिली चिकन एंड ओनली चिली चिकन, मतलब चिकन के साथ कुछ भी फ्राइड आइटम खिला दो। वही हम लोग बात कर रहे थे और मतलब अचानक से सडन प्रोग्राम था, मैं शॉप से घर गई और हमने बोला चलो एक डिनर करते हैं, और क्योंकि ग्रेसी आफ्टर वीक वो चली जाएगी वापस हॉस्टल, फिर ये मतलब ये जो हम लोग का गैदरिंग है शायद हम लोग मिस करेंगे, और उसके बिना हम लोग रेस्टोरेंट वगैरह या मतलब ये सब खाना मतलब पसंद नहीं आता, मतलब हमें तो पसंद नहीं आता पर मेरी बेटी को बहुत पसंद है, उसके वजह से हम लोग आते हैं यहाँ पे। और मैं यहाँ पे वेलकम ड्रिंक पी रही थी और मैंने कहा भी कि इसको पीने के बाद लगता है मेरा भूख ही मर जाएगा। लोगों को भूख लगता है पर मेरा भूख कम हो गया जब से डाइट, मतलब होता है ना डाइट आप करते हो तो आप एपेटाइट आपका कम हो जाता है। और हमने एक एक करके सबसे पहले स्टार्टर मंगाए, जो कि मंगाया था प्लेटर 1300 कुछ का था प्लेटर, उसमें 20 पीसेस अब चिकन के आइटम थे, फिश थे, प्रॉन्स थे, जो कि भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी एंड विद प्राइस बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों को एक प्राइस का आइडिया हो जाए। और यहाँ पे दोनों भाई बहन अपने मस्ती में लगे हुए हैं। एंड फिर हमने ड्रिंक मंगाया बच्चों के लिए, उन्हें पसंद है वर्जिन मोइटो, और एक ड्रिंक जो मंगाया था बहुत यूनिक सा नाम था, मुझे याद नहीं, बट बहुत ही टेस्टी था, पिना कोलाडा कुछ ऐसे कुछ मसाला टाइप का था। एंड यहाँ पर मैं रील्स वगैरह शूट कर रही थी, बाकी यहाँ पर हमारा पिक्चर्स वगैरह आप लोग को देखना है तो आप इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो। और यहाँ आ गया हमारा स्टार्टर, और हमने मतलब प्लेटर मंगा लेके सब ईजिली सब इनफ हो जाएगा खाने पीने के लिए। इसमें था मटन कबाब, प्रॉन टिक्का, चिकन टिक्का, हरियाली फिश
एंड इस प्लेट का खाना आटे के साथ ख़त्म हो गया था. इसमें था चिली चिकन जो हम सूट नहीं कर पाए थे, और फिर फ्राइड राइस हमारे पे डिनर पे था. एंड यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री में आपको मिलता है पान, और इससे पहले हमें मिल गया हैंड वॉश करने के लिए ये टिश्यू पेपर जो कि पानी से गीला था. मतलब तो इतना फैसिलेट करते हैं ना कि अच्छा लगता है. जो स्टाफ है इनके बहुत ही ज़्यादा पोलाइट और बहुत अच्छा लगा. और यहाँ पे मेरे बेटे को ये लिप बाम लगा रही है, मतलब भाई बहन का प्यार जो है ना. और ग्रेसी गुस्सा भी कर रही थी, मम्मी मेरा फेस मत सूट करो, और फिर मैंने उसका फेस ढक दिया. उसको कैमरा आना उतना पसंद नहीं, और मैं भी अवॉइड ही करती हूँ उसको लेना. एक्चुअली क्या है कि ज़बरदस्ती नहीं, अगर ज़बरदस्ती करो तो फिर अच्छा नहीं लगता. वो जब बोलते कि मम्मा मत लो मुझे, तो मैं नहीं लेती हूँ. बहुत जने ऐसे सोचते हैं कि बेटी को दिखाती नहीं है, बेटी के साथ ये अटैच नहीं होती है. वैसी कोई बात नहीं है, हर बच्चा का अपना अपना एक कुछ होता है कि वो कितने जन कैमरा फेसिंग नहीं होते हैं, कितने जन होते हैं. तो जो एक पेरेंट्स और बेटी का, मतलब माँ और बेटी का बॉन्डिंग है, वो माँ बेटी ही जानते, दूसरे कोई नहीं सोच के या बोल के समझ सकते हैं. ये मैं किसी की मम्मी को या किसी के बच्चे को ये नहीं बोल सकती कि आपकी मम्मी के साथ कैसा बॉन्ड है कैसा नहीं है. हमारा जो बॉन्ड है काफ़ी अच्छा है. बेटी जो है बहुत ज़्यादा समझदार है, बहुत प्यारी है. एंड यहाँ पे देखिए हम लोग केक काटने के लिए रेडी हो गए थे. हन्नूस काफ़ी एक्साइटेड था, आप उसका भी मस्ती देखना. और ये खाना वाना खा के हमने, और पता है बिल बेस्ट पार्ट है कि बिल मेरे को मन था पे करने का. मैंने पहले ही बोला था कि ट्रीट मेरे तरफ से, तो गोमजी को बोला कि मैं बिल पे करूँगी. एंड मैंने बिल पे किया, बहुत ही ज़्यादा सुकून लगा कि मतलब होता है ना कि ऐसा कुछ कि आप अपने हस्बैंड को इस तरह का ट्रीट दो, क्योंकि वो तो हमारे लिए कितना करते हैं. हाँ हाँ हो गया, ज़्यादा नहीं खाओ, हार्ट हो गया. लो खाओ फिर बाकी घर में खाना. आप लोग हाफ ले लीजिए, फिर हाफ ले लीजिए, हाफ ले जाइए. बिल हो गया, ये बिल ये खाएंगे क्या, कि वही खाएंगे घर में खाएंगे. आ जाओ ग्रेस से. बाल हर महीने स्पा कराएंगे तो केराटिन सब कराने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बाल स्मूथ रहेगा. कैसा लगा केक आपको? तो बताएं कि कितना बड़े हैं? तो ये बस 14 साल के हुए हैं. मालूम नहीं है एज कितना है. 14 इयर्स खुद का एज मालूम नहीं होना नहीं चाहिए. तो इनका एज अभी जस्ट 24 हुआ है. प्लस माइनस आप लोग कर सकते हैं. तो एक्चुअली बोला जाता है कि जो आप समझते हो वही आप होते हो. एज इज जस्ट अ नंबर. अगर आप बचपना है अंदर तो आप तब तक जवान हो. जिस दिन बुढ़ापा गया उस दिन बूढ़े हो गए. तो आप ये मत सोचते कि हम गोरे लग रहे हैं. हमने फाउंडेशन लगाया है ढेर सारा, और हमारा हैप्पी बर्थडे पापा बोले थे. हैप्पी बर्थडे पापा. थैंक यू बेटा. हैप्पी बर्थडे दादी. हैप्पी बर्थडे दादी. अब हम लोग ये बर्थडे किसका मंगाएंगे? नेक्स्ट बर्थडे किसका होगा? नेक्स्ट बर्थडे किसका होगा? तुम्हारा है. नवंबर में तुम्हारा बर्थडे है. पहले ग्रेसी का तो आएगी नहीं क्या? बर्थडे के बाद नहीं है. बर्थडे है नवंबर में ग्रेसी का, जनवरी में हन्नू का, दिसंबर में मेरा. और ये अकेला ही जाने जिसका गर्मी है मैंने. हम तीनों माँ बेटा एक है और बेटी. तो चलो हम केक लेंगे और चलेंगे. बिल हम पे करेंगे. बिल हम पे करेंगे. हम पे करेंगे. रुको लो गुमसी, मुझे एक दो. हाँ बाल दो ग्रेसी खाना. और एक बात मैं बोलना चाहूँगी, बहुत जने बोलते हैं, मतलब बहुत जनों में से कुछ लोग अपने ही होते हैं कि आप वीडियोस मत बनाओ या आप मत दिखाओ, आप यहाँ जाते हो वहाँ जाते हो, घूमते हो फिरते हो, नज़र लगेगी. तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगी मेरा एक काम है,
मैं इसको एक काम की तरह लेती हूँ और मैं इसको इंजॉय भी करती हूँ करना। बाकी दूसरे लोगों के बोलने से मैं कुछ अपना प्लानिंग चेंज नहीं करूँगी, मुझे जो अच्छा लगे मैं वो करूँगी और मुझे जहाँ तक लगता है मैं कोई गलत नहीं कर रही हूँ। और एक बात और है कि मेरा जो स्ट्रगल है, मैं जो मेहनत करती हूँ वो शायद किसी को नहीं दिखता है, तो ये उनका फॉल्ट नहीं है, ये हमारा फॉल्ट है कि हम जो दिखाते हैं सामने से लोग वही देखेंगे। तो बस जिनको देखना पसंद है वो देखें, जिनको पसंद नहीं है देखना नहीं देखें। मैं किसी को फोर्स नहीं करती मेरा वीडियो देखने के लिए, मेरा एक लाइफ स्टाइल का छोटा सा पार्ट है और मैं कोशिश करूँगी आने वाले दिनों में आपको फुल टाइम ब्लॉग दिखाऊँ। 12 बज गया। कोई देखो फुल बुके सुके तो नहीं है रोज, और खुशबू अच्छा आ रहा है। इसका नाम मधु मालती है, हम आपको दूसरी औरत सौंपे हैं, मधु मालती सौंपे हैं। मजा ले लेता तो कैसा लगा आज? अच्छा था। चार बार मेरा ड्रेस चेंज करवाई इंसान।